अरे नहीं पागल, तुम्हारा चेहरा नहीं आएगा वीडियो में। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, खुद ही ये वीडियो देखूंगा, फिर देखने के बाद डिलीट कर दूंगा। लड़की ने कहा, नहीं प्लीज ऐसा मत करो। अरे हाथ हटाओ ना मेरी जान। नहीं प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा मेरी कसम है तुम्हें, हाथ उठाओ और वीडियो बनाने दो मुझे। यार अपनी कसमें मत दिया करो, कसम देना पड़ जाती है, तुम भी तो भरोसा नहीं करती। मैंने भला किसको दिखानी है, खुद ही देखकर फिर डिलीट कर दूंगा। अरे यार भरोसा करती हूँ, तभी तो अपना आप दिया है तुम्हें। तो यार फिर बनाने दो ना। लड़की बोली, तुम बास नहीं आओगे। अच्छा बना लो, बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मैं चाहती हूँ कि हीर रांझे की तरह हमारी मोहब्बत की भी कहानियाँ सुनाई जाएं। सही कहा। कटी पतंग की तरह झूलती हुई वो घर पहुँची और कमरे में आकर वो सो गई। वो आम से घर की गुमनाम लड़की थी, मगर जब उसकी आँख खुली तो वो और उसकी मोहब्बत मशहूर हो चुकी थी। फिर क्या हुआ, लड़का सरेआम फिर रहा है, उस लड़की का क्या बना जनाब, लड़की का क्या बनना था, वो बीमार थी और मर गई। कुछ दिनों बाद पता चला कि लड़की का गला काट कर उसको बगैर जनाजे के घर वाले दफन कर चुके। इस तरह एक हीर रांझे की कहानी इख्तिताम हुई। अरे नहीं नहीं मेरी बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि ऐसा कभी मत करना, ये आपकी ज़िंदगी से खेलने वाले दरिंदे हैं। ज़िंदगी तो आपकी उजड़ जाती है, उसकी नहीं। या तो वो खुले आम फिर रहा होता है या फिर किसी दूसरी की तलाश में, और आखिर में रह जाते हैं आपके माँ बाप और आपके भाई। वो तो जीते जी हर रोज़ बेचारे शर्म से मर रहे होते हैं। अरे मेरी बहनों, आज का सबक ये है कि अगर आप मोहब्बत करती हैं तो निकाह कीजिए, और अगर निकाह से पहले आप अपना आप इन दरिंदों को दे देंगी तो फिर ये कहाँ आपसे निकाह की तलब रखेंगे। दुआ है कि हमारी हर माँ बहन इस माशरे की बुरी निगाहों से बची रहे। आमीन।